कल आगरा में मेट्रो कार्य की स्टार्ट हो रही है और उसको वर्चुअली रूप से पीएम मोदी कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ यूपी सीएम वहां पधार रहे हैं। तो आइए हम यूपी मेट्रो कॉरपोरेशन के जो एमडी हैं कुमार केशव जी, उन्होंने आगरा की मेट्रो के बारे में कई बेहतरीन बातें बताई और जो आपने नहीं सुनी होंगी, तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी आगरा मेट्रो की। आगरा मेट्रो में दो कॉरिडोर्स का निर्माण किया जा रहा है। कॉरिडोर वन है जो ताजीज गेट से सिकंदरा तक जाता है वाया ताजमहल, आगरा फोर्ट, जामा मस्जिद, मेडिकल कॉलेज। सो ये बहुत कंजस्टेड और बहुत इंपॉर्टेंट रूट से जाता है ये पूरा कॉरिडोर। इसमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन है और 6 एलिवेटेड स्टेशन है। वो सारा एरिया जो ताज के बिल्कुल क्लोज बाई है या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के बहुत वो अंडरग्राउंड है 7 किलोमीटर, बाकी दोनों साइड में एलिवेटेड है। सेकेंड कॉरिडोर है वो आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के सामने से शुरू होता है, जो अगेन एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब है, और थ्रू एमजी रोड संजय प्लेस होता हुआ ये कालिंदी विहार तक जाता है, वो पूर्णतया एलिवेटेड है। तो अभी जो स्टार्ट हो रहा है, जो मेट्रो हरदम एक छोटे पोर्शन से स्टार्ट होते हैं, तो फर्स्ट पोर्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो प्रायोरिटी सेक्शन है ताज स्टेट से जामा मस्जिद तक, और इसमें 3 एलिवेटेड स्टेशन और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन है, ताज आगरा फोर्ट, ताजमहल एंड जामा मस्जिद। ये वर्क अब शुरू होने जा रहा है, पहले एलिवेटेड होगा फिर अंडरग्राउंड, और क्योंकि अंडरग्राउंड है तो इससे कंस्ट्रक्शन में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो हम ये एंटिसिपेट करते हैं कि हम प्रायोरिटी सेक्शन का वर्क जो है करीब 3 से 3.5 साल में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद लोगों को एक सुविधा प्रायोरिटी सेक्शन पे उपलब्ध होगी। टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 5 साल में होना है और हम बहुत डिटर्मिंड है कि हम इसे 5 साल में दोनों कॉरिडोर मेट्रो के कंप्लीट करेंगे, ताकि प्रदेश को और शहर को एक बहुत अच्छी विश्व स्तरीय ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध हो पाए, जो लोगों के हित में होगी, जो वहां के बिजनेस के हित में है, जो वहां पे आने वाले टूरिस्ट को के लिए बहुत सुविधाजनक बनेगी। ये बहुत बड़ी चीज है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि आगरा बिकॉज हिस्टोरिकल सिटी है, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, तो स्पेशल केयर हैज टू बी टेकन बाय उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो हम ले रहे हैं इन प्रिजर्विंग दीज मॉन्यूमेंट, ताकि इनके ऊपर कोई निगेटिव हमारा इम्पैक्ट ना बन जाए मेट्रो कंस्ट्रक्शन का, आइदर कंस्ट्रक्शन के दौरान या बाद। तो उसमें हम लोगों ने एक फर्स्ट टाइम एक यूनेस्को की जो गाइडलाइंस है उस पर एक हेरिटेज इम्पैक्ट असेसमेंट कराया, जो एक आर्कोलॉजिकल कंसल्टेंट ने किया है पूरे प्रोजेक्ट का, और उसमें आईआईटी मद्रास भी इंक्लूडेड था, क्योंकि आईआईटी मद्रास ने ये देखने के लिए कि जो स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन या आफ्टरवर्ड्स, वो मेट्रो के जो जिस क्षेत्र से जा रही है उनमें जो आर्कोलॉजिकल स्ट्रक्चर है कहीं भी कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने बहुत प्रॉपरली अलाइनमेंट डिजाइन किए ताकि हम उन आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से दूर रहें, उनके रेगुलेटेड एरिया में रहें, और मेजॉरिटी हमने इसी तरह से बनाया है। तो उस पूरी असेसमेंट रिपोर्ट का रिजल्ट ये है कि मेट्रो का कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन का जो इतने इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं आगरा के, उन पर कोई इफेक्ट नहीं है, और आफ्टर कंस्ट्रक्शन वो इतने सारे बेनिफिट लाएगा कि शायद बहुत सारे पॉजिटिव उसके इफेक्ट भी बनेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आगरा मेट्रो का कार्य अब शुरू होगा, बहुत मजा आएगा उसको, हमें तो आता ही है क्योंकि हम बनाते हैं, पब्लिक को भी मजा आता है क्योंकि वो उनको एक चीज बनती हुई दिखाई देती है, और बिल्कुल समय से हम इसे बना के कम से कम असुविधा से इसे बनाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ असुविधा होगी तो उसके लिए हमें चाहिए।